नरेंद्र धीमान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व ने हर मोर्चे पर भारत को सशक्त करने का कार्य किया। 2024 में विकास के मुद्दों पर जनता के बीच जाकर आगामी लोकसभा चुनाव में फिर से जनमत हासिल करेंगे और हरियाणा में 10 की 10 सीट बीजेपी जीतेगी। देखे और क्या कुछ बोले नरेंद्र धीमान जी। सर आपका स्वागत है अर्थ प्रकाश में। धन्यवाद सर। लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, लगभग थोड़ा ही समय अब चुनाव के अंदर रह चुका है, विगुल बजने वाला है, 2024 आ चुकी है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव सुना जा रहा है इकट्ठे होंगे, किसके बारे में क्या कहोगे? देखिए जैसे कि आपने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा एक साथ होने जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि दोनों एक साथ चुनाव होंगे। लोकसभा का चुनाव मोदी जी के नाम से लड़ा जाएगा और हमारे यहाँ विधानसभा भी खट्टर साहब और मोदी जी के नाम से ही लड़ा जाएगा। जो मोदी जी की नीतियाँ हैं, जो उन्होंने गरीब आदमी के लिए काम किया है, लोग उससे गदगद है और मोदी जी के नाम से सदा तैयार रहते हैं, मोदी जी को तो दिल से प्यार करते हैं। रही खट्टर साहब की, ऐसा नहीं कि खट्टर साहब गरीब आदमियों के लिए काम नहीं कर रहे, गरीब आदमी के लिए ही लगे हुए हैं, वो भी मोदी जी की तरह पोर्टल्स अलग अलग तरीके से, जैसे पेंशन योजना है, बुजुर्ग पेंशन है, वो अपने आप ऑटोमेटिक पीपी मॉडल के तहत उठती है, कार्ड है, पीले कार्ड है, या और कोई सुविधा जैसे सरकार की आती है तो वो फैमिली आईडी के द्वारा उनको फ़ोन करके सूचित किया जाता है और उनको बताया जाता है, जो उनके पात्र है उनको वो सारी सुविधाएं दी जा रही है। नहीं, ये जो पोर्टल शुरू हुए हैं काफ़ी लोगों को परेशानी भी हो रही है, कुछ बीपीएल कार्ड बेवजह बन के आ रहे हैं, जिनको जरूरत नहीं है वो भी अपने आप ऑटोमेटिक बन के आ रहे हैं, कुछ सरपंच हो गया रहे हैं, कुछ ऐसे आदमी हैं जिन्हें बीपीएल की जरूरत नहीं है उनके भी बीपीएल बन रहे हैं, तो इसमें किसका वो कहोगे, प्रशासन का कहोगे, शासन का कहोगे? हाँ, तो ये समस्या है कि जो इसके पात्र नहीं है, लेकिन उन पात्रों में एक कमी रही है, जब उनकी फैमिली आईडी बनाई गई थी उसमें कहीं ना कहीं उनकी इनकम कम चढ़ी है, जो सॉफ्टवेयर उठा लेता है, अब बाद में कंप्लेंट आती है कि भाई इसकी तो सैलरी ज़्यादा है, इस वजह से, और कुछ अनपढ़ आदमी है अभी पोर्टल को नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए समस्याएं खड़ी हैं, लेकिन सरकार धीरे धीरे, हम जैसे नेता, भाजपा नेता जो है गांव में कर्म अपने जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनके माध्यम से उस कार्य को पूर्ण करने पर लगे हुए हैं कि कोई भी आम आदमी दुखी ना हो। नहीं, अब की बार जहाँ चुनाव सिर पर है, कितनी सीट भाजपा लेकर हरियाणा में आ रही है? हरियाणा लोकसभा सीट है, पहले भी 10 थी, आज भी 10 रही, उसमें कोई कम होने वाली नहीं है, ये हम आपको आश्वासन देते हैं, क्योंकि ये सरकार गरीब गरीबी की सरकार है, ये कोई पैसे वाले की सरकार नहीं है, या कोई किसी पे अत्याचार करता है, गुंडों की सरकार नहीं है, आम आदमी चैन से रह रहा है और वही बीजेपी को वोट देगा, उसको सारी सुविधाएं सरकार की मिल रही है, इसलिए लोकसभा 10 थी, 11 तो हो नहीं सकती, 10 की 10 रहेंगी ना 9 होंगी। गाँव में चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, देखा अक्सर है नेशनल हाईवे 44 के स्थित गाँव है, लेकिन गाँव में विकास नहीं, क्या कारण? उसका कारण एक ही रहा, अभी पीछे हमारे यहाँ 334 भी एक हाईवे निकला था जो मेरे तालाब के साथ था, मेरा आधा तालाब गांव का उसमें चला गया है, अब सरकार ने उस पर कार्य शुरू कर दिया है, 334 भी में जो पाइपलाइन का काम था वो हो चुका है, और जो साइड की पाइपलाइन का काम वो भी चल रहा है, और साइड में जोड़ भी खोद दिया गया है, अब जल्द ही ये समस्या का समाधान होगा, उसके बाद गाँव में विकास के कार्य भी जल्दी ही हो जाएंगे। ये थे हमारे साथ भाजपा नेता नरेंद्र धीमान जी, जो कह रहे हैं लोकसभा में 10 सीट बीजेपी जीतकर प्रधानमंत्री। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।